जब बेटा 9 महीने का था तो पति का देहांत हो गया। बेटे को पाला पोसा, बड़ा किया, डॉक्टर बनाया और डॉक्टर बनकर बेटा दुबई चला गया। बेटा तो यहाँ नहीं है, दूर में है। बेटा ये डॉक्टर है गाड़ी के, उसका अभाव नहीं है। गाड़ी गाड़ियाँ हैं, घर बिल्डिंग है। घर बिल्डिंग मैंने ही उसके साथ मिलकर के बना दिया। तो अभी वो तो अरब में क्या जानी जगह बोलता है, उसी में रहते हैं। 8 महीने पहले इस बुजुर्ग महिला के पैर में फ्रैक्चर हो गया, लेकिन बेटा दुबई से माँ को देखने घर नहीं आया। बेटे से फोन करके इलाज का खर्च मांगा गया तो उसने साफ मना कर दिया। मैं आ गई इसलिए कि मेरा पैर में पैर टूटा हुआ था, गिर गई थी तो पैर टूटा हुआ था। बाद में देखा गया कि हॉस्पिटल आना पड़ा तो ऑपरेशन हुआ, और आर्थिक समस्या में मैं पड़ गई तो क्या करूं। पद्मी को यह समझ में नहीं आ रहा कि जिस बेटे को उन्होंने पाल पोस कर इस उम्मीद में बड़ा किया था कि वो एक दिन उनका सहारा बनेगा, उसने उन्हें क्यों छोड़ दिया। अगर पद्मी का डॉक्टर बेटा असम सरकार का कर्मचारी होता तो उसके लिए अपनी बूढ़ी माँ को छोड़ना इतना आसान न होता। और अगर उसने ऐसा किया होता तो उसकी 10% सैलरी कट कर उसकी माँ को मिल जाता। हमारी तरफ से कदम लिया गया है क्योंकि हमारी जो सामाजिक सांस्कृतिक जो परंपरा का मूल्य है उसी हिसाब से हर बेटा बेटी को अपने माँ बाप का ख्याल रखना ही है। और उसी हिसाब से अगले दिनों में इस विषय पर हम सब जिम्मेदारी ले, अपने माँ बाप को भक्ति भावनाओं से आदर करें। असम सरकार के इस बिल का सभी सरकारी कर्मचारी भी स्वागत कर रहे हैं। वैसे तो पूरे देश में घर के बुजुर्गों का सम्मान करने की परंपरा, लेकिन फिर भी बहुत से बुजुर्ग बच्चों के होते हुए भी दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर होते हैं। बच्चों लोग माँ बाप को साथ में फेंकता है, घर में कहाँ बंद करके रखता है क्योंकि वो देखभाल नहीं करता है। कहने से तो वो लोग नहीं मानते हैं ना, इसीलिए स्कीम ला रहे हैं, जो भी आईन में भी हो जाएगा, तो इसलिए बहुत बढ़िया है। हम लोग का असम में ऐसा संस्कृति नहीं था, लेकिन आजकल कोई कोई परिवार में ऐसा चल रहा है। कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसका माँ बाप को देखभाल नहीं करेगा ऐसा नहीं हो सकता है, और ऐसा कोई करेगा तो उसका वेतन से 1% वो माँ बाप के लिए कट करके वो उनको दे देंगे। जब परिवार में रिश्तों की गांठें खुलती हैं तो लालच की लालटेन टिमटिमाने लगती है, और परिवार एक नकली सा पर्दा लगाकर ये दिखाता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके पैबल वृद्ध आश्रमों में दिखाई देने लगते हैं। अगर असम सरकार का ये कानून कुछ वक्त पहले आता तो गुवाहाटी के इस बुजुर्ग आश्रम में रहने वाले इन बुजुर्गों के हालात भी कुछ सुधर जाते। लेकिन एक बहुत देर हो गया, हम सरकार को बोलेंगे जितना जल्दी हो सके इसको करना चाहिए। पहले आसाम से सुने जा रहा है, इसीलिए हम बोला कि बंगाल बिहार जो जो स्टेट है सबको ये काम करना चाहिए, तभी किसी को भला होगा। अधीर रंजन दास के 2 बच्चे हैं, जिनमें बड़ा बेटा केंद्र सरकार में नौकरी करता है, लेकिन फिर भी वो वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर है। ऐसे ही बहुत से लोगों की सेवा मदर ओल्ड एज होम कर रहा है। पूरा भारतवर्ष बनाना नहीं होगा तब कुछ फायदा होगा, ना जो होगा ना। हम लोग के बीच में एक हम लोग का ग्रैंड मदर है, ये इनका नाम है सर्वानी देवी। इनको हम लोग 3 इयर्स पहले यहाँ पे लेके आया था हम लोग का मदर ओल्ड एज होम में। उनका 2 लड़का है, दोनों ही गवर्नमेंट जॉब करता है। उनमें से बड़ा लड़का तो अभी 3 इयर्स के अंदर 3 साल के अंदर एक दिन भी नहीं आया। पहले जीवन की आपाधापी में माँ बाप बच्चों को पूरा वक्त नहीं दे पाते, और फिर आपाधापी की यही विरासत जब बच्चे संभालते हैं तो माँ बाप उस बागान के मुरझाए हुए फूल बन जाते हैं जिसे कभी उन्होंने खुद सींचा था बाग बाग बनकर। लेकिन अब असम सरकार ने एक अच्छी पहल की, अब जरूरत है कि ऐसी पहल देश के हर राज्य में हो और अपने माता पिता को बेघर करने वाले बच्चों को भी सबक सिखाया जाए। सरफराज खान, सी मीडिया, गुवाहाटी।